थैंक यू एवरीवन। मेरा नाम सचिन है और मेरा पेन नेम सच है, तो जो भी लिखता हूँ सच ही लिखता हूँ। कुछ शेर देखिएगा, और लिखा यह है कि जुबां से बता रहा था वो सबब बिछड़ जाने के, जुबां से बता रहा था वो सबब बिछड़ जाने के, निगाहों में जिसके यकीन ठहर जाने का था। जुबां से बता रहा था वो सबब बिछड़ जाने के, निगाहों में जिसके यकीन ठहर जाने का था। हंस हंस के काटी हैं हिजर की रातें सच, हंस हंस के काटी हैं हिजर की रातें सच, फकत रो रो के जब वक्त मर जाने का था, फकत रो रो के जब वक्त मर जाने का था। और ये कुछ शेर और देखिए, एक शेर लिखा है मैंने, आप लोग नज़र कर रहा हूँ, तो लिखा ये है कि अपने आँखों में जो एक थकान सी लिए बैठे हो, ये जो आँखों में एक थकान सी लिए बैठे हो, क्या किसी से मिलने के अरमान से लिए बैठे हो। ये जो आँखों में एक थकान सी लिए बैठे हो, क्या किसी से मिलने के अरमान से लिए बैठे हो। और दीदारे महताब में खड़े हैं सभी वहाँ, दीदारे महताब में खड़े हैं सभी वहाँ, जहाँ लबों पे तुम एक मुस्कान सी लिए बैठे हो, जहाँ लबों पे तुम एक मुस्कान सी लिए बैठे हो। और कुछ शेर और देखिए कि वो हैरान है मुझसा आवारा देख के, वो हैरान है मुझसा आवारा देख के, एक हादसा फिर दोबारा देख के, वो हैरान है मुझसा आवारा देख के, एक हादसा फिर दोबारा देख के, और जान अब मैं चलता हूँ कह के, जान अब मैं चलता हूँ कह के, वो छोड़ गया घड़ी में वक्त दोबारा देख के, वो छोड़ गया घड़ी में वक्त दोबारा देख के। और एक गज़ल सुनिएगा कि ऐसे बहुत लोगों ने बेवफाई की बात करी है, मेरा मानना यह है कि प्रेम बहुत सरल है, रिश्ते जटिल हैं। तो लिखा यह है कि मैं नहीं चाहता कि वो खुद को खफा करे, मैं नहीं चाहता कि वो खुद को खफा करे, जो निभा नहीं सकता इश्क तो फिर ना करे। मैं नहीं चाहता कि वो खुद को खफा करे, जो निभा नहीं सकता इश्क तो फिर ना करे। और अपनी उलझनों का मारा हुआ शख्स है वो, अपनी उलझनों का मारा हुआ शख्स है वो, किस किस से ले सलाह किस किस से मशवरा करे, किस किस से ले सलाह किस किस से मशवरा करे, और मैं अब जा रहा हूँ उसका शहर छोड़कर, मैं अब जा रहा हूँ उसका शहर छोड़कर, हो सके वो बिछड़ने की रस्म अदा करे, हो सके वो बिछड़ने की रस्म अदा करे, और बर्बाद हो चुका हूँ कि मेरी हालत देखकर, बर्बाद हो चुका हूँ कि मेरी हालत देखकर, लोग परेशान हैं दवा करे कि दुआ करे, लोग परेशान हैं दवा करे कि दुआ करे। और आखिरी शेर सुनिएगा कि खामोशी मार रही है एक रिश्ते को राफ्ता राफ्ता, खामोशी मार रही है एक रिश्ते को राफ्ता राफ्ता, चीख रहे हैं जज्बात कोई सुना करे, चीख रहे हैं जज्बात कोई सुना करे। और एक गज़ल और अर्ज है, सुनिएगा कि क्यों आता नहीं तेरा ख्याल जहन में मेरे, क्यों आता नहीं तेरा ख्याल जहन में मेरे, अब उठता है ये सवाल जहन में मेरे, तू ही थी जो थी दौलते जहां मेरी, तू ही थी जो थी दौलते जहां मेरी, तेरा ही तो था सब माल जहन में मेरे, तेरा ही तो था सब माल जहन में मेरे, और जो भी देखे देखता है सिर्फ बेरुखी मेरी, जो भी देखे देखता है सिर्फ बेरुखी मेरी, कोई देखे क्यों है मलाल जहन में मेरे, कोई देखे क्यों है मलाल जहन में मेरे। और एक पोइट्री और है, बस छोट चार लाइनें हैं, वो सुना के मैं भी डालूंगा अपनी जगह लूंगा बहुत। एक भाई ने माँ के ऊपर पढ़ा है, तो उसी के ऊपर लिखा है, मतलब एक एक्सपीरियंस बताया कि जब घर छोड़ के जाते हैं तो कैसा लगता है पहली बार, और जो लोग शायद लखनऊ में नहीं रहते, इनका घर कहीं दूर है, वो शायद समझ पाएंगे। तो लिखा ये है कि आज फिर एक बार तुमसे बहुत दूर जा रहा हूँ, आज फिर एक बार तुमसे बहुत दूर जा रहा हूँ, थोड़ा सा सामान और कुछ यादें साथ लिए जा रहा हूँ, एक छोटे से बैग में कुछ कपड़े हैं जो मेरे अपने हैं, एक छोटे से बैग में कुछ कपड़े हैं जो मेरे अपने हैं, किसी से मिलने की खुशी है, किसी खास के चेहरे की वो हंसी है, कुछ वादे हैं जिन्हें तोड़ना नहीं है, किसी का साथ है जो शायद कभी छोड़ना नहीं है, और एक छोटे से डब्बे में बंद मेरी माँ का प्यार है, एक छोटे से डब्बे में बंद मेरी माँ का प्यार है, कल की चार पूड़ी थोड़ा सा चार है।
एक छोटे से डब्बे में बंद मेरी माँ का प्यार है, कल की चार पूड़ी और थोड़ा सा अचार है, दूर जाने का गम और शायद तुम सब की कमी है, इसीलिए तो आज मेरी इन आँखों में ये नमी है, बस यही सब तो लिए मैं हर बार जा रहा हूँ, आज फिर एक बार तुमसे बहुत दूर जा रहा हूँ। शुक्रिया।